हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की फिजिकल डेट के बारे में कि क्या वह फिक्स हो चुकी है। ठीक है, मैंने बताया 25 जुलाई से आपके फिजिकल शुरू होने वाले हैं। क्या सत्य है खबर? 100% ट्रू है। ठीक है, बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए है, इम्पोर्टेंट नोटिस है आपको और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 31 मई को रिजल्ट आने वाला था आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम का, लेकिन यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट थी और ये बढ़ के हो चुकी है 21 जून, जो कि अब कंफर्म हो चुका है कि 21 जून को ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको पता है कि रेस के बारे में यदि हम पहले बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रेस है 24 मिनट में, और वहीं फीमेल के लिए है 1.6, यानी कि 1600 मीटर रेस है 8.5 मिनट में, दौड़ पूरी करनी है 8.5 मिनट में 1600 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया है 24 मिनट में 5 किलोमीटर यहाँ पर पीटी में मेल के लिए यहाँ पर दौड़ होगी। उसके बाद हाइट के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो हाइट है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स जो हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170, मेल की होनी चाहिए 170, वहीं फीमेल की बात करें तो 157 होनी चाहिए उनकी यहाँ पर फीमेल की। वहीं बात की जाए तो जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5, वहीं फीमेल की होना चाहिए 150। अब ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो चेस्ट कितना यहाँ पर चाहिए, तो 80x5 यानी कि 80 यहाँ पर बिना फुलाए होना चाहिए सीना जनरल ओबीसी और एससी का, और 5 फुला के होना चाहिए, यानी कि 5 कम से कम फूलना ही चाहिए, यानी कि 85। ठीक है, 85 फूलना चाहिए। वहीं फीमेल के लिए अलाउड नहीं है ये, नॉट अलाउड। वहीं यदि एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो उन्हें कुछ छूट मिलती है, उनका है 76x5। ठीक है, 76 चाहिए उन्हें बिना फुलाए सीना और 5 फुला के, यानी कि 81 चाहिए फुला के सीना। ठीक है, और फीमेल के लिए नॉट अलाउड है। तो मैंने बता दिया है कि यहाँ पर रेस में क्या करना है, सीना कितना का चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। आपको पता है रिटन एग्जाम जो हुआ था 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च पूरे एक महीने चला था, लेकिन मात्र 18 दिन पेपर हुए थे, 3-3 शिफ्टों में, यानी कि 54 शिफ्टों में टोटल पेपर हुए थे। ठीक है, उसके बाद बात की जाए रिटन एग्जाम आंसर की डेट, ये 26 अप्रैल को आंसर की आ चुकी थी, लेकिन ये अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल नहीं थी। ऑफिशियल यहाँ पर 30 अप्रैल को यहाँ पर आई थी। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान नहीं की, लेकिन ऑफिशियल आई थी 30 अप्रैल को, लेकिन सेम थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, एक्स्ट्रा ज़्यादा यहाँ पर कुछ सही नहीं था। उसके बाद बात की जाए रिटन एग्जाम रिजल्ट डेट के बारे में, तो यहाँ पर पहले आपको पता है टेंटेटिव डेट दी गई थी 31 मई, लेकिन अब न्यू डेट जो कि कंफर्म हो चुकी है, रिजल्ट डेट 21 जून को आपका रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म है आएगा। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते कि यहाँ पर कब तक फिजिकल अपना हो सकता है। तो देखिए 21 से 25 जुलाई तक आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट फॉर एसएससी जीडी पीईटी, यानी कि आपका 21 जुलाई के बाद आपका फिजिकल शुरू होने वाला है। वो कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जो यहाँ पर आपका 21 जून को रिजल्ट आएगा, उसके एक महीने बाद यहाँ पर आपका फिजिकल शुरू हो सकता है। ठीक है, तो क्यों होने वाला है यहाँ पर एक महीने बाद? आपको पता है कि मिनिमम 20 से 25 दिन तो यहाँ पर जो जब रिजल्ट आता है उसके 20-25 दिन बाद आपका फिजिकल शुरू होता है। मिनिमम 20 से 25 दिन के पहले यहाँ पर आपका फिजिकल शुरू नहीं होगा, यानी कि आपको 21 जून को रिजल्ट आना है तो यहाँ पर 20, यानी कि हम पूरे एक महीने मान लेते हैं, यानी कि 21 जुलाई से आपसे पहले यहाँ पर पीईटी यहाँ पर नहीं शुरू होगा पीईटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं 21 से 25 जुलाई के पहले यहाँ पर 21 जुलाई से पहले शुरू नहीं होगा, उस 21 जुलाई के बाद ही शुरू होगा। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो कि आपका शुरू हो सकता है, यानी कि आप 20 जुलाई के अंदर अंदर अपना यहाँ पर पीईटी जो आपकी दौड़ है कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, इसीलिए आपको बताइए कि क्या हो सकती है टेंटेटिव डेट, तो 20 जुलाई से पहले पहले आप अपनी यहाँ पर रेस कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 किलोमीटर रेस है और मात्र 24 मिनट में पूरी करना है 5 किलोमीटर रेस, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, गर्मी यहाँ पर पड़ रही है आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो 20 जुलाई से यहाँ पर पहले नहीं आने वाली है यहाँ पर पीईटी, यानी दौड़ आपकी 20 जुलाई से पहले नहीं होगी, बाद ही होगी, इसीलिए
आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दिए कि इसके अंदर आप तैयारी कर सकें, यानी कि 20 जुलाई के बाद कभी भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी तैयारी 20 जुलाई के अंदर अंदर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और पल पल की खबर जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डालूँ उसका आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।